आह रोही, सब कुछ खत्म हो गया। हमारी इज्जत, कोई इज्जत नहीं बची। बदनाम लोग हो गए हम। क्या ये बिबिरानी और ड्राइवर वाली बात सच है? सिर्फ वही बात सच थी, बाकी सब झूठ। यू नो, हम और उस ड्राइवर के बीच में 30 साल से कुछ चल रहे हैं, उन्होंने किसी को नहीं बताया। आई थिंक सोशल प्रेशर था। वो एक प्रिंसेस और दूसरा एक मामूली सा ड्राइवर। इट्स सैड, उन्होंने किसी और मोहब्बत का चांस ही नहीं दिया। शायद तभी मैंने जब बीबी रानी को कॉल की थी तो वो ये समझ रही थी कि मैंने प्रोजेक्ट कैंसिल करने के लिए कॉल की। तो तुमने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए? ऑफ कोर्स, प्रोजेक्ट तो वैसे भी कैंसिल ही करना था सिकंदर, और तुम ये ना समझना कि उसकी वजह भी बिरानी है। बिल्कुल नहीं, उस प्रोजेक्ट को मैंने स्टडी किया है, उस पर रीवर्क करने की ज़रूरत है, री इंजीनियर करने की ज़रूरत है। वैसे तुम्हें स्कैंडल के बारे में कैसे पता चला है? इसमें ना पता लगने वाली क्या बात है, दिस न्यूज़ इज एवरीवेयर, टेलीविजन, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों सजा मिल रही है? कुछ भी हो सिकंदर, मुझे लगता है कि जो सिचुएशन चल रही है ना, हमें शायद कुछ वक्त के लिए खामोश रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता रोही। आई कैंट लेट दैट हैपन। मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगा, मेरी बात माननी पड़ेगी।